देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। यूपी के बरेली में लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए अब अधिकारियों ने कमान अपने हाथ में ले ली है। बरेली में डीएम नीतीश कुमार और एसएसपी रोहित सिंह सजवाड़ ने खुद अपने हाथों में मोर्चा संभाल लिया है। डीएम और एसएसपी ने सड़कों पर उतरकर सभी पुलिस कर्मियों को सख्ती से लॉकडाउन लागू करने के निर्देश दिए हैं। डीएम और एसएसपी ने उन क्षेत्रों का जायजा लिया जहां लॉकडाउन उल्लंघन की सबसे ज्यादा मामले मिल रहे थे। डीएम नीतीश कुमार के मुताबिक उनको हर हालत में कोरोना की चैन को तोड़ना है, इसके लिए लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया है कि अति आवश्यक सेवाओं के अलावा किसी को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं है। इस मौके पर एसएसपी रोहित सिंह सजवाड़ का कहना है कि लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घर पर ही रहें और सड़कों में जो अनावश्यक घूमता मिल रहा है उसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। डीएम और एसएसपी ने कोतवाली थाना क्षेत्र, बारादरी थाना क्षेत्र, किला थाना क्षेत्र, प्रेमनगर सहित कई थाना क्षेत्र का जायजा लिया और लॉकडाउन को सख्ती से लागू करवाने के निर्देश भी दिए। नहीं, इसमें एसेंशियल कम्युनिटीज को छोड़कर बाकी सब चीज़ों को बंद किया गया है और जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उसको एग्जेम्प्ट किया गया है। इंडस्ट्री सब एग्जेम्प्टेड है, वहाँ के लोग अपने आईडी दिखा के जा सकते हैं। तो हम लोग लॉकडाउन देख रहे हैं, व्यवस्था सब सही चल रही है और जिसको जो आवश्यक सामग्री लेने आ रहे हैं वो अपना दिखा रहे हैं कि हम क्या लेने जा रहे हैं। तो उस तरीके से कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी को और कोई समस्या नहीं है और लॉकडाउन को लोगों ने अच्छे से पूरा कर रहे हैं लोग। हाँ, आज शुक्रवार है, आज अलविदा की नमाज भी हो रही है, तो इसमें धार्मिक स्थल जैसे धार्मिक स्थलों जो हैं वो बंद हैं, तो इसी वजह से जो लोग हैं उनका आवागमन कम किया जा रहा है। साथ ही साथ लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि बिना आवश्यक कार्य के बाहर ना निकलें और जो लोग अपने काम से निकल रहे हैं चाहे वो दवाई खरीदने के लिए या कोई आवश्यक कार्य से, तो उन्हीं को केवल अलाउ किया जा रहा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।